तो फाइनली गाइस जो है कि हम यहाँ पर देखिए अपना कोबागंज रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं, और यहाँ से जो है कि पूरा स्टेशन का अपडेट हम आज आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए, जब उस दिन हम आए हुए थे 10 दिन पहले, तो यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, इस पर काम किया जा रहा था, ये दीवार तैयार की जा रही थी। और जब आज हम आए हुए हैं तो इस दीवार को फाइनल करके प्लास्तरा भी किया गया है। और यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर देखिए सारी ईंट बिछाकर जो है कि इसमें बालू वालू का भी सारा कुछ बिछाया गया है प्लास्तरा करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल इस पर पानी वानी भी मारा हो रहा गया है, देख पा रहे होंगे हम दिखा रहे हैं, ये देखिए। और अभी बहुत सारा काम बाकी है, तो सब कुछ हम वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे अपने कोपागंज रेलवे स्टेशन का जो कि नक्शा बदल पा रहा है। और ये क्या बन रहा है, ये जैसे कि ये जो पब्लिक रेस्ट करने के लिए बनाते हैं हर स्टेशन पर बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए, वो ये चीज़ें बन रही है। जैसे बरामदा हो गया, हाल जिसको हाल बोलते हैं, तो वो हाल बन रहा है यहाँ पर। और ये अपना कोपागंज रेलवे स्टेशन, और यहाँ से थोड़ा सा हम दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर दो लाइन की सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं यहाँ से लेकर वहाँ आगे तक, ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए। और इस कोपागंज रेलवे स्टेशन का लुक जो है कि अभी धीरे धीरे काफ़ी अच्छा दिख रहा है और चेंज भी हो रहा है। तो आगे के साइड में भी काम चल रहा है, तो अभी हम इस साइड में घोसी के साइड में भी हम चलेंगे, मगर अभी उस साइड से होकर आएंगे तब चलेंगे। तो यहाँ से आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए ये यहाँ पर अपना पाटिया का काम चल रहा है। तो आइए थोड़ा सा दिखाते हैं आगे के साइड में, और ये देखिए ये है कोपागंज रेलवे स्टेशन बिल्डिंग। तो आइए आगे के साइड में चलते हैं, थोड़ा सा आपको अपडेट दिखाते हैं क्या काम चल रहा है स्टेशन पर। और यहाँ पर बता दें, ये पटिया आप देख रहे हैं, ये इस पर काम किया जा रहा है। और इसको काम करने के बाद से जो है कि पूरा ये कंक्रीट फर्श ये बनाया जाएगा। यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रिक खंभे का यहाँ पर भी पिलर फाउंडेशन बना हुआ है। और आगे के साइड में चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं, देखिए इस पर ये पटिया लगाकर जो है कि पूरा काम किया जा रहा है। आइए हम थोड़ा सा चलकर दिखाते हैं, ये देखिए यही काम चल रहा है अपने कोपागंज रेलवे स्टेशन पे। बहुत दिनों से काम रुका पड़ा था, मगर अभी काम चल रहा है। तो ये जैसे ये फाइनल ये पटिया फाइनल की जाएगी, फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर हम बता दें पूरा कंक्रीट करके फर्श जो कि लगाया जाएगा, बनाया जाएगा। तो सारा कुछ अपडेट हम ही अपने चैनल पर देते रहते हैं बराबर कंटिन्यू। और आगे के साइड में पूरा काम चल रहा है वहाँ पर, तो आइए चलकर थोड़ा सा आगे के साइड में हम दिखाते हैं। तो ये तकरीबन हम बता दें कि ये हफ्ता 10 दिनों के अंदर में ये काम स्टार्ट किया गया है और चल रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फाउंडेशन भी बनाया गया है, देखिए ये फाउंडेशन है और आगे के साइड में बनेगा। और यहाँ पर काम किया जा रहा है, हम दिखा पा रहे हैं आपको, और थोड़ा सा आगे से चलकर जो है कि आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए ये पटिया फाइनल होगा, फिर उसके बाद जो है कि पूरा कंक्रीट का काम इस फर्श पर किया जाएगा, और अच्छे तरीके से स्टेशन को बनाते हैं जिस तरह से उस तरह से बनाया जाएगा। तो आइए थोड़ा सा आगे से चलकर दिखाते हैं, और ये मशीन है इससे बनाया जा रहा है। तो आई होप कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर देखिए ये पाटिया है, ये लगाने का काम चल रहा है। भैया कितने दिन से चल रहा है ये काम हुआ? नहीं मतलब ये कम हुआ 10 दिन से चला था ना? हम लोग को ये सब मालूम नहीं। क्या मालूम भैया, जब काम कर रहा था तो ये तकरीबन हम बताते हैं 10 दिनों के जब अंदर हम आए हुए थे, तो ये अभी काम शायद नहीं हो रहा था, उसके अंदर में ये काम स्टार्ट किया गया है। और ये पार्टीशन जो ये देखिए ये पटिया जिसे बोलते हैं, ये लगाकर सेटिंग किया जा रहा है यहाँ से वहाँ तक, आगे के साइड तक जो है कि पूरा लगाया जाएगा और फाइनल किया जाएगा। तो यही सारा अपडेट चल रहा है अपने कोपागंज रेलवे स्टेशन पर। तो सारी बातें आपको अच्छा से समझ में आ गई होंगी।
और बता दें कि इस पर भी हर स्टेशन पर दो लाइनें बनाई जाती हैं, तो सिंगल लाइनें अभी फ़िलहाल में इंदारा से लेकर जो है कि ये सीधा घोसी अपना दोहरी घाट तलक जो है कि लाइन फाइनल कर दिया जाएगा, मगर अभी बहुत समय इसको बनने में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा और बताइएगा। फिर मिलते हैं, आगे के साइड में चलेंगे, घोसी साइड में दिखाएंगे सारा कुछ अपडेट।